मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे और जैसे ही ये खबर आई मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि रोहित सरदाना कोरोना से संक्रमित थे, मेट्रो अस्पताल नोएडा में भर्ती थे। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था और अचानक इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और बचाया न जा सका। सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर बताया, अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था, ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी रोहित सरदाना की मौत की जानकारी दी और ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, दोस्तों बेहद दुखद खबर है, मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। उन्हें आज सुबह ही हार्ट अटैक आया है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। इसके अलावा राजनीति जगत में भी इस खबर को सुनकर शोक की लहर दौड़ गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने टीवी पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद। दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। शत शत नमन एवं भावांजलि। शिवराज सिंह चौहान ने भी लिखा, पत्रकारिता जगत में अपने जुझारूपन, निर्भीकता और बेबाक सवालों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। पत्रकारिता में योगदान हेतु उन्हें सर्वदा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान और परिजनों को संबल दे। ओम शांति। तमाम ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर रोहित सरदाना के लिए किए जा रहे हैं और सच में ये खबर बेहद ही दुख पहुंचाने वाली है।